अमेरिका में जब एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई तो वहां कुछ साइंटिस्ट ने यह डिसाइड किया क्यों ना इस कैदी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। कैदी को यह बताया गया कि हम आपको फांसी देकर नहीं मारेंगे बल्कि दुनिया के खतरनाक और जहरीले सांप कोबरे से डसवा के मारेंगे। उसके सामने दुनिया का खतरनाक जहरीला सांप कोबरा लाने के बाद उसकी आंखें बंद करके उसे कुर्सी के साथ बांध दिया गया। साइंसदानों ने कोबरे सांप को सामने से हटा लिया और कुछ देर बाद दो सुइयां कैदी के दोनों टांगों के ऊपर चबोई गई। हैरतअंगेज वाकया यह हुआ कि कुछ ही देर बाद कैदी की मौत वाकया हो गई। पोस्टमार्टम करना पड़ा और पोस्टमार्टम करने के बाद यह इंकशाफ हुआ कि कैदी के जिस्म में कोबरे सांप का जहर मौजूद था, हालांकि उसे कोबरे सांप से डसवाया ही नहीं गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि कैदी के जिस्म में यह जहर कहां से आया और उसकी जान कैसे ली। तहकीक यह साबित करती है कि यह जहर कैदी के जिस्म ने खुद से जारी किया था। उसकी यकीन की ताकत ने यह जहर जारी किया था जिसकी वजह से कैदी की मौत वाकई हुई। यह कहानी आप लोगों से शेयर करने का मकसद ही यही है कि हमारी जिंदगी में कामयाबी और नाकामी का सफर यकीन से शुरू होता है। अगर आपको अपनी जात पे यकीन होगा तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे हर अमल और हमारी हर सोच से हमारे जिस्म में तवानाई बनती है और वही तवानाई हमारे जिस्म में उसी के मुताबिक हार्मोन्स तैयार करती है। आपकी जिंदगी वही कुछ है जो आप यकीन करते हैं, लिहाजा कामयाबी और मकासद के हसूल के लिए आपको अपनी जात पे यकीन होना चाहिए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, पहला दर्जा इल्म डिग्री ज़हीन का नहीं होता, पहला दर्जा यकीन का होता है। अगर आप मुअज्जात की तवक्को करते हैं तो आपका दिमाग इस मुअज्जे को हकीकत में बदलने के लिए काम शुरू कर देगा और आप वो मुअज्जा कर दिखाएंगे। लिहाजा अपनी जात पर, खुदादाद सलाहियतों पर, अपने ख्वाबों पर, अपनी गोल पर और अपनी कामयाबी पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। याद रखिएगा, जो कदम यकीन से उठाता है मंजिलें उसी को सलूट पेश करती हैं।